हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉकिंग ऑफ सीआई इंजन। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे नॉकिंग ऑफ एसआई इंजन के बारे में, और नॉकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉकिंग क्या होता है। नॉकिंग क्या होता है, हमारे इंजन से जो अनवांटेड साउंड और वाइब्रेशन हमें मिलती है उसी को हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सीआई इंजन में कैसे हम लोग नॉकिंग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लोग नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मान लीजिए ये सीआई इंजन है, ये कंबशन चैम्बर है, ये पिस्टन है, और ये है फ्यूल इंजेक्टर। सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो फ्यूल इंजेक्टर से क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन जब टीडीसी, मान लीजिए ये है टीडीसी हमारा, टीडीसी है मतलब टॉप डेड सेंटर, टीडीसी से 15 डिग्री पहले जब हमारा पिस्टन पहुंचेगा, तभी क्या होगा हमारा, तभी क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है वो इंजेक्ट होता है, ठीक है। कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो प्योर एयर जो कंबशन चैम्बर के अंदर रहता है उसके साथ ये मिक्स होता है। तो साथ ही साथ हमारा क्या होता है, पिस्टन कंप्रेस कर रहा होता है। तो टीडीसी से 15 डिग्री पहले जब फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो इमीडिएटली यहाँ पे जो कंबशन, मतलब कंबशन चैम्बर में जितने सारे फ्यूल और एयर की मिक्सचर होगी वो बर्न नहीं होगा। क्यों, देखिए हम लोग जो फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, अगर वो अगर ज़्यादा हो और यहाँ पे इंजन सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर है वो अगर कम हो, तो क्या होगा, जब तक फ्यूल का टेम्परेचर, मतलब जब तक इंजन का टेम्परेचर फ्यूल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाती, तो वो फ्यूल बर्न नहीं होगी, वो फ्यूल इग्नाइट नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ये यहाँ तक आया पिस्टन, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्ट हो गया, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद वो टेम्परेचर जो है इंजन सिलेंडर के अंदर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा, तो क्या होगी, फ्यूल तो बर्न नहीं होगा। तो फ्यूल अगर बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्यूल क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फ्यूल क्या हो, जमा होता रहेगा, मतलब चैम्बर के अंदर फ्यूल जमा होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है चैम्बर का, लेकिन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा। तो ये फ्यूल इंजेक्ट कब तक होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है आफ्टर टीडीसी तक, मतलब पिस्टन टीडीसी तक पहुँचा उसके बाद नीचे जब आ रहा है, तो आफ्टर टीडीसी 10 डिग्री तक, आफ्टर 10 डिग्री ऑफ टीडीसी, तब तक हमारा क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो मान लीजिए फ्यूल इंजेक्ट होते होते यहाँ पे बहुत सारा फ्यूल जमा हो गया, तभी एक टाइम पे क्या हो गया, मान लीजिए जब फ्यूल बहुत सारा जमा हो गया, तभी एक टाइम पे हमारा फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मतलब तभी हमारा टेम्परेचर फ्यूल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया और फ्यूल बर्न हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब तक फ्यूल बर्न होगा तब तक बहुत सारा फ्यूल यहाँ पे क्या होगा, कंबशन चैम्बर के अंदर जमा हो चुका होगा। तो अगर जो चैम्बर की जो टेम्परेचर है वो अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए, तो अचानक से सारी जो जितनी सारी फ्यूल्स यहाँ पे जमा हो चुकी है वो सारे एक साथ बर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ बर्न जब हो जाएंगे तब क्या होगा, इंजन के अंदर, हमारे इंजन चैम्बर के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और पिस्टन के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। उसी इम्पैक्ट की वजह से हमें नॉकिंग मिलती है, मतलब उसी इम्पैक्ट की वजह से हमें वाइब्रेशन भी मिलती है, कुछ साउंड भी मिलते हैं, उसी को हम लोग नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा क्या हो रहा है, जब हम लोग फ्यूल क्या बोलते हैं स्प्रे कर रहे हैं इंजन के अंदर, तब से लेके, मतलब जब फ्यूल हमारा स्प्रे हो रहा है तब से जब तक फ्यूल बर्न हो रहा है, तब तक की जो टाइम है उसको बोलते हैं डिले पीरियड, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम लोग नॉकिंग कम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर कम कर दे फ्यूल की, सीआई इंजन फ्यूल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर कम कर दे, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर कम है मतलब कंबशन चैम्बर के अंदर अगर टेम्परेचर मतलब क्या है, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है तब तक अगर पहुंच जाए, इजिली पहुंच जाए, तो फ्यूल इजिली बर्न हो जाएगा। तो जितनी भी फ्यूल यहाँ पे आएगी पहले से ही, तो कंटिन्यूसली वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली वो बर्न होता रहेगा। तो कंटिन्यूसली अगर बर्न हो जाएगा वो, तो हमें कोई नॉकिंग नहीं मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्यूल आ रहा है, तो ये
बर्न हो गया, उसके बाद जो आ रहा है स्प्रे करते करते वो भी बर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली जब बर्न हो जाएगी तो हमारे इंजन से कोई साउंड नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था नॉकिंग ऑफ सी आई इंजन के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि सी आई इंजन फ्यूएल के लिए सी आई इंजन फ्यूएल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होनी चाहिए ताकि आसानी से वो बर्न हो सके और नॉकिंग से हमें छुटकारा मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेट रहने के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।